तो आज हम करेंगे एब्स की एक्सरसाइज। मतलब बहुत क्वेरी होती है कि पेट कम नहीं हो रहा हमारा, तो हम एक एक्सरसाइज से किस तरीके से अपना पेट कम करेंगे। मतलब लोग लगे रहते हैं अपना, मतलब कि हजारों हजारों रेपिटेशन करने या पांच पांच सात सात एक्सरसाइज करते हैं अपना पेट कम करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करके आप किस तरीके से अपना पेट कम कर सकते हैं, चलिए वही सीखते हैं। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। जो नॉर्मल हम करते हैं लेग रेज, दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री तक लेके जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको आपका जो पेट है वो एंगेज नहीं होता, आपका पेट है वो मसल मतलब कि टाइट नहीं रहता, लूज हो जाता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमें किस तरीके से करना है इस एक्सरसाइज को, दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाओ। हाँ, यहाँ पर होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, नीचे 3, 2, 1, 60 डिग्री पर लेके जाएंगे नीचे। यहां पर होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 75 पर, पूरा 90 पर नहीं लेके जाना, थोड़ा सा पेट को बिल्कुल टाइट रखेंगे। वेरी गुड, होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और बिल्कुल धीरे धीरे नीचे लेके आना, बिल्कुल स्लोली स्लोली एंड रिलैक्स। ये हमारा एक राउंड हुआ, तो हम इसी को कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन करेंगे और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। 10 नीचे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 60 डिग्री, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 75, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे धीरे नीचे एंड रिलैक्स। अब देख रहे होंगे पेट पूरा टाइट हो जाता है, एंगेज हो जाता है, तो आपके पैर हिलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो अच्छे से करोगे तो आपके 2-5 रेपिटेशन ही बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। आप लगे रहो 50-50, 100-100 करने, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए थर्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 60, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 75, 10, 9, 8, 7, 6, घुटने सीधे रखो, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली डाउन। तीन में ही हालत टाइट हो गई। हाँ, तो देख सकते हो आपके ना, हाँ मतलब कि 3 रेपिटेशन हुई है और 3 रेपिटेशन में ही हालत टाइट होगी। अब अगर मैं इसी बच्चे को बोलूं कि 50 करो तो 50 कितनी जल्दी कर लेगी, देखते हैं। चलिए स्टार्ट, 50, 60, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसमें देखो गलती कितनी है, घुटने बैंड है, ठीक है, पैर पूरा नीचे नहीं आ रहा और पैरों मतलब कि पेट को रिलैक्स करने के लिए पैरों को 90 पर लेके जाना है। इसी में हम, अगर आपको वो रेपिटेशन मतलब वो एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो हम इसी में किस तरीके के इस एक्सरसाइज को ठीक करके अपने पेट को, बेली फैट को कम कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा करो, अब लिफ्ट करेंगे बिल्कुल, तो आपको पूरा 90 पर नहीं जाना, बस यहां तक, घुटने सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। 2, 3, 4, घुटने सीधे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड, 11, 12, 13, घुटने सीधे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। कौन से इफेक्टिव लगे? हाँ, तो वही एक्सरसाइज को जब प्रॉपर तरीके से करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस अपना टेढ़ा मेढ़ा किया और अपना हो गया, हम तो वर्कआउट भी कर रहे हैं,
और हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। एक तो हम डाइट भी अपना नहीं सुधारना चाहते और ऊपर से फिर एक्सरसाइज भी हम गलत करते हैं। तो चलिए हम लेग रेज का ही एक और सेट करने वाले हैं, तो देखते हैं कि कितना कर पाते हैं। मैक्सिमम करेंगे जितना भी कर पाए। चलो 1 घुटने सीधे रखने हैं, 2 घुटने सीधे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नीज बैंड हो गए, 17, 18, 19, 20, बस लो 20 में अपना मतलब की जान निकल गई। तो आप इसी तरीके से ये दोनों एक्सरसाइज करके अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं बहुत इजीली। थोड़ा सा डाइट में सुधार करके आप अपने घर का बना खाना खाएं, बाहर की तली भुनी चीजें या मैदे की चीजें मत खाएं, और 15 से 20 दिन में आप अपना रिजल्ट देखें कि आपका बेली फैट कम हो रहा है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।